जब हम आदिवासियों के बारे में बात करते हैं तो जो पब्लिक डोमेन है, जो पॉपुलर परसेप्शन है, उसमें मेनली कुछ फ्रोजन पिक्चर है कि आदिवासी जनरली जंगलों में रहते हैं, दे वो टैटूज लगाते हैं, कपड़े कम पहनते हैं, ज्वेलरी ज़्यादा पहनते हैं, दे एंजॉय द ड्रिंक एंड दे आर वेरी फ्री, वुमेन आर वेरी फ्री एंड दे फ्रीली मिक्स विथ मैन, और उनको काफ़ी सारी छूट होती है, वो बाहर जा सकती हैं, कमा सकती हैं। ये एक तरह का रोमांटिसाइज पिक्चर है जिसे ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ही कंस्ट्रक्ट किया गया और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में उसे फर्दर रीअसर्ट किया गया, प्राइमरली कुछ स्पेसिफिक वजहों की वजह से। अगर हम महिलाओं की स्थिति, आदिवासी महिलाओं की स्थिति की समीक्षा करें तो प्राइमरली वी कैन सी टू इट दैट उनका जो स्थिति है वो जो अपर कास्ट क्लास महिला है उनसे काफ़ी अलग है, और क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी में एक इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर होता था, पुरुष और महिलाओं में समानताएं होती थी, असमानता नहीं होती थी उस तरीके से, तो महिलाओं को उस तरह का मिसोजिनिक हेट्रिडिज्म का सामना नहीं करना पड़ता था। आदिवासी समाज में लाइक फीमेल फीटिसाइड नहीं था, इन्फेंटिसाइड नहीं था, महिला जब एक गर्ल चाइल्ड की जन्म होती थी तो वहाँ सेलिब्रेशन होता था, उसको वेलकम किया जाता था, वहाँ पर्दा प्रथा नहीं है, वहाँ दहेज की प्रथा नहीं है, इनफैक्ट काउंट्ररी टू इट वहाँ पे ब्राइड प्राइस यानी जो शादी के वक्त लड़कों के तरफ से एक टोकन अमाउंट दिया जाता था विच इज़ अगेन अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द आदिवासी वुमन, बट ये जो हायर स्टेटस था ट्राइबल वुमेन का वो प्रिसाइसली एक पर्टिकुलर इको सोशियो सिस्टम में ग्राउंडेड था। जैसा कि आप सबको पता है कि जो आदिवासी समाज है वो मुख्य रूप से वनों और हिल्स फॉरेस्ट उनके बीच में रहा करते थे, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, एंड प्राइमरली अगर देखा जाए तो ये स्टेटस ऑफ हाई स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन वॉज प्राइमरली रिलेटेड टू द अबैंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक वनों के प्रति उनका जो अधिकार था, वन से जो होते थे या लैंड राइट्स में उनको हिस्सेदारी दी जाती थी, इसके अलावा उनको डिसीजन मेकिंग का राइट था स्पेसिफिकली टुवर्ड्स प्रोडक्शन, टुवर्ड्स इकोनॉमिक सिस्टम, डिसीजन मेकिंग एट द हाउस होल्ड लेवल, बट अगेन ट्राइबल सोसाइटी वॉज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुषों के जेंडर रोल को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, बट स्टिल महिलाओं को काफ़ी उच्च स्थिति उनकी होती थी, बट ऑल दीज जो जो उच्च स्थिति थी, हाई स्टेटस था, वो प्राइमरली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता था, और ये नेचुरल रिसोर्सेज प्राइमरली कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते थे, पूरी कम्युनिटी का उस पर एक ग्रुप अधिकार होता था, ग्रुप राइट होता था, एंड इवेंचुअली महिलाओं को भी उसमें न सिर्फ भागीदारी होती थी बट अधिकार प्राप्त थे उसके, तो महिलाओं को लैंड राइट्स प्राप्त था और जंगल में भी उनके काम करने की पूरी छूट होती थी, लेकिन धीरे धीरे स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल अलॉन्ग विद द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज स्पेसिफिकली फॉरेस्ट को भी एक रिसोर्स की तरह देखा जाने लगा बाय द स्टेट, एंड हेंस इवेंचुअली द फॉरेस्ट राइट्स एंड द लैंड राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल वर कम्प्लीटली बींग एरोडेड। और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैं एक पर्टिकुलर टाइप के सोशियोलॉजिकल पर्स्पेक्टिव की बात लाना चाहूँगी और वो है हिंसा। हिंसा जनरली अगर हम देखते हैं तो उसका एक पॉपुलर परसेप्शन यही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हिंसक है या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के प्रति हिंसक है, मास किलिंग, जेनोसाइड, ये सब होते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से मैं संरचना के प्रति हिंसा की बात उठाना चाहूँगी, द स्ट्रक्चरल वायलेंस, एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस कैन बी इन्फ्लिक्टेड बाय स्टेट, एंड दिस हैज़ हैपन बोथ बाय द कलोनियल स्टेट एंड ऑल्सो बाय द पोस्ट कलोनियल स्टेट। सो जो आदिवासी सामाजिक और सामाजिक कल्चरल इकोलॉजिकल संरचना है उसका एक तरह से पूरी तरह से मॉन्यूमेंटल डैमेज हो चुका है आज के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो जो ये संरचना थी उसमें जो इंस्टीट्यूशंस थे वो भी काफ़ी तरह से कोलैप्स हो चुके हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल लाइक द इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर जिसमें महिलाओं और स्थितियों पुरुषों को बराबर की स्थिति उनका बराबर का समाधान था स्थिति थी, अगर आज के इसमें देखा जाए क्योंकि कॉलोनियल रूल के साथ इंडिविजुअल राइट्स को एम्फसिस किया गया, तो लैंड में फॉरेस्ट में आपके पास इंडिविजुअल पट्टा दिया गया,
सो इवेंचुअली वुमेन का जो राइट था, ग्रुप राइट, कम्युनल राइट जो उसका था, वो इरोड हो गया क्योंकि मेन को ही बेसिक ओनर माना जाने लगा. सो महिलाओं को कभी भी सेकेंडरी वर्कर के रूप में नहीं माना गया आदिवासी समाज में. दे वर ऑलवेज द प्राइमरी वर्कर्स, द प्राइमरी ओनर्स. सो दे प्ले द रोल ऑफ ब्रेड विनर्स. उनको हमेशा ही एक प्रोड्यूसर के रूप में देखा जाने लगा. और ऐसा नहीं था कि मर्दों को कमाना है और उनको औरतों का भरण पोषण करना है. ये एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस जेंडर रिलेशनशिप था. इसमें मर्दों और औरतों दोनों को समान रूप से काम करना है और एक दूसरे के प्रति भरण पोषण के प्रति उनको उसको ये निर्वाह करना है, इसको साथ में लेके चलना है. एंड प्रिसाइसली दैट्स द रीज़न कि एक बार जब महिलाएं हाशिए पे चली गई, उनका मार्जिनलाइजेशन हो गया, ग्रुप कम्युनल राइट से उनको कम्प्लीटली इरोड कर दिया गया, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनी रही कि दे आर द प्राइमरी ब्रेड विनर्स, दे आर द प्रोवाइडर्स, दे हैव टू गेट फूड, फ्यूल एंड वाटर. एंड हेंस आज भी अगर आप देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर, खासकर आदिवासी महिलाओं के ऊपर, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा जिम्मेवारी होती है कि वो इनकम कमा के लाए, परिवार का भरण पोषण वो करें, मर्दों के साथ कंधा मिलाकर काम करें. जनरली आदिवासी समाज के बारे में जब हम बातें करते हैं तो देर इज ऑलवेज अ फ्रोजन पिक्चर कि वो कहीं और रहते हैं जंगलों में. बट अगर हम अपने आसपास देखें तो आपको आदिवासी महिलाएं दिख जाएगी. आपको हर घर में आज डोमेस्टिक वर्कर आदिवासी महिलाएं काम करती हुई पाई जाती हैं. ऐसा क्यों है कि एक यंग लड़की, अनमैरिड सिंगल वुमन, शी हैज टू माइग्रेट एंड शी उसको अपनी जीविका के लिए काम करना पड़ रहा है, फैमिली के लिए उसे काम करना पड़ रहा है, उसको अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ रहा है. सो ये एक स्पेसिफिक ट्रेंड है जो आदिवासी समाज में ही आपको दिखता है कि सिंगल वुमेन माइग्रेट, सिंगल अनमैरिड यंग वुमेन माइग्रेटिंग ऑल अलोन विदाउट अदर फैमिली मेंबर्स एंड कमिंग आउट टू द सिटीज एंड वर्किंग एंड सपोर्टिंग देयर फैमिली एंड ऑल्सो इन लार्जर वे सपोर्टिंग द कम्युनिटीज. सो द सस्टेनेंस ऑफ द आदिवासी समाज डिपेंड्स ऑन द रोल ऑफ वुमेन एज अ ब्रेड विनर, एज अ प्राइमरी वर्कर. इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को स्टेट ने कभी, द पॉलिसी मेकर्स हैव नेवर टेकन इन टू अकाउंट. जब भी उन्होंने पॉलिसी बनाई है वो वुमेन को हमेशा एक सेकेंडरी वर्कर की तरह लेते हैं. सो हेंस वॉट हैपन ऑन द वन हैंड द rights which were being given to women in the communal context of Adivasi society, today women don't have. At the same time, the new livelihood opportunities, specifically when it comes to skill building, training, education, that is being not given to women. So, इससे आदिवासी महिलाएं और भी ज़्यादा हाशिए पे चली गई हैं. जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या आज मैं आदिवासी महिलाओं का अगर देखती हूँ तो वो है कि इश्यूज ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड. सबसे बड़ी समस्या उनका जीविका को अर्जित करने के लिए, एंड दैट ऑल्सो सस्टेनेबल, क्योंकि आदिवासी समाज आज भी मुख्य रूप से खेती और जंगलों पे ही डिपेंड करता है. आपको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और बिकॉज ऑफ माइनिंग, बिकॉज ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, दे हैव कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द नेचुरल सिस्टम, द नेचुरल रिसोर्सेज, द बायोडाइवर्सिटी इन द ट्राइबल रीजन. एंड हेंस एग्रीकल्चरल उस तरह से आउटपुट नहीं है. जंगल कवर, जो फॉरेस्ट कवर है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं. डिप्लेशन इतना ज़्यादा है कि फूड के लिए जो पहले ट्राइबल्स लोग जंगलों के ऊपर डिपेंड होते थे, आज भी डिपेंडेंट हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से वहाँ फूड सप्लाई नहीं मिलता. एंड हेंस देर इज अ लैक ऑफ सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम प्राइमरली फॉर वुमेन. एंड पहले तो ये माइग्रेशन की का इशू था कि वुमेन वेर माइग्रेटिंग इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, और आज देर इज़ अ नेक्सस बिटवीन माइग्रेशन एंड ट्रैफिकिंग. अगर आप सेंट्रल इंडिया बेल्ट और ईस्टर्न स्टेट्स को देखें, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग लड़कियों की ट्रैफिकिंग हो रही है. उनको वहाँ से ला के इधर शहरों में बेचा जाता है एज अ डोमेस्टिक वर्कर. बेसिकली प्लेसमेंट्स एजेंसीज हैं और अदर एजेंट्स हैं, वो इस तरह का काम करते हैं. लेकिन अगर ट्रैफिकिंग का भी इशू देखा जाए तो बेसिकली इट्स बींग रिलेटेड टू सेक्स, आई मीन प्रोस्टिट्यूशन एंड ब्रॉथल्स एंड सेक्स ट्रेड, बट नेवर इन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर. लेबर के लिए भी बच्चियों को बेचा और खरीदा जाता है. इस कॉन्टेक्स्ट को सरकार नकारती है और उसे जनरली लेना नहीं चाहती, एंड हेंस दिस प्रॉब्लम एक्चुअली एग्रीवेट्स. एट द सेम टाइम आई लाइक टू टेक अप द इशू ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट आदिवासी वुमेन. एज आई मेंशन दैट आदिवासी वुमेन को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है. शी हैज द फ्रीडम टू गो आउट एंड वर्क, choose a livelihood. She has the movement, she has the freedom to actually choose a life partner. अपने जीवन साथी को भी चुनने का अधिकार था. तो ये सारे values हैं, इनको काफ़ी
फ्रॉम अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव इट इज़ बीइंग जज्ड एंड इट्स बीइंग सीन दैट दे आर हाईली लिबरेटेड, काफ़ी फ्रीडम है इनको, लेकिन सच्चाई उस तरह की नहीं है. देर इज़ सम टाइप ऑफ कंपल्शन ऑल्सो सो दैट दे मूव आउट बिकॉज उनको अपने रीजन में काम नहीं मिलता, सस्टेनेबल लाइवलीहुड खत्म हो चुके हैं. एंड सो दैट एस्पेक्ट ऑफ मूविंग आउट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कैनॉट बी टेकन एज इमेंसिपेशन और एम्पावरमेंट. सो दैट्स अगेन अ रॉन्ग नोशन. अगेन वायलेंस आदिवासी वुमेन के प्रति और ज़्यादा इसलिए भी होता है बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, आई मीन से द अपर कास्ट क्लास वुमेन, बिकॉज देयर वुमेन एंड देयर सेक्शुअलिटी इज बींग सिवियरली गार्डेड, कंट्रोल इन सो मेनी डिफरेंट मैनर. एंड ऑन द अदर हैंड ट्राइबल वुमेन आर फ्री टू गो आउट, देयर सेक्शुअलिटी इज नेवर बींग रिलेटेड टू द ऑनर ऑफ द कम्युनिटी एंड द फैमिली. सो दे आर बींग सेक्शुअली abused in so many different ways at the workplace, wherever they, specifically in unorganized informal sectors, they are being abused in so many different ways, both economically as well as socially. The repercussion now is that there is a reaccession of the neo patriarchy norms and values. Again, jo dominating communities ka jo values and beliefs hai unko generally ab inculcate karne ki puri taraf se ek muhim chhidi hui hai कि अगर आपको अपनी बेटियों का रक्षा करना है तो उनके उनको सेफगार्ड करना होगा, उनको कंट्रोल करना होगा, उनको मूवमेंट, उनको जो फ्रीडम मिली है उसको कर्व करना होगा हर तरीके से, जो विच विल हैव अगेन अ वेरी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द सर्वाइवल ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी. एज आई मेंशन कि ट्राइबल सोसाइटी अपने आप में ही पितृ सत्तात्मक समाज है, सो ट्राइबल सोसाइटीज आर मार्जिनलाइज इन देयर ओन कम्युनिटी ऑल्सो. सो एज आई मेंशन दैट देर इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ दिस मार्जिनलाइजेशन बिकॉज ऑफ द ग्रुप राइट्स एंड कम्युनल राइट्स आर नो मोर देयर. नाउ देर इज इंडिविजुअल राइट्स एंड वुमेन आर बींग एक्चुअली मार्जिनलाइज बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस. एंड वंस इट स्टार्टेड द डाउनवर्ड मोबिलिटी ऑफ द स्टेटस हैज ऑल्सो स्टार्टेड. अगेन दे आर बींग डिफ्राइव्ड to inherit the landed property of their fathers and husband. And again, their contribution to the economy is at the family level and also at the community level is never being acknowledged. And the patriarchal social organization greatly favors the male gender. So when it comes to education, when it comes to skill building training, मेन को ही ज़्यादा फेवर दिया जाता है, वुमेन को एजुकेशन नहीं दिया जाता कि आप घर संभालो, खेतों में काम करो या गाय बैल चराओ और मर्दों को पढ़ने के लिए दो. लेकिन दूसरी तरफ उस पर यह प्रेशर भी होता है कि आप कमाएं और फिर परिवार का भलन पोषण करें, आपके पति के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर इनकम जनरेट करें. तो दिस टाइप ऑफ डिप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग एंड देन देर इज आई मीन टू से pressure to earn, I mean, so take up the role of a breadwinner becomes very, very problematic in day-to-day life. Coming to another dimension of gender violence within the tribal society is that of witchcraft, because though the status of tribal woman is quite high, but at the same time, there is a tradition of labeling a woman as a witch. Woman ko adivasi mahila ko adivasi samaj mein hi kai context aise hote hain jisme usse ek dayan bataya jata hai. और फिर पब्लिकली उस पर अत्याचार किए जाते हैं और फिर कई बार उसे मार भी दिया जाता है. तो ये कस्टम अभी भी है. फ्यू डेज बैक ऑल्सो इस तरह की खबरें आई हुई थी. सो अगेन यू सी दैट देर इज़ अ डाउनवर्ड मोबिलिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन. एंड जनरली लैंड राइट्स इज़ वन इशू, क्योंकि महिलाओं को अभी भी मेंटेनेंस का अधिकार है उस कम्युनल कॉरपोरेट लैंड ओनरशिप में. तो कई बार अगर वुमेन विधवा हो जाती है तो उसके अधिकार जो जमीन पे हैं उसको ले लेने के लिए विचक्राफ्ट का ये बहाना लिया जाता है और उसको विच कह के मार दिया जाता है, डायन बता के उसकी हत्या कर दी जाती है. बट दिस इज वन पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव लुक एट द इशू ऑफ विचक्राफ्ट. अदर एस्पेक्ट इज अगेन रिलेटेड टू सोशियो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस विचक्राफ्ट. दिस इज प्राइमरली रिलेटेड टू अगेन अनदर वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द आदिवासी सोसाइटी, दैट इज द इंडिजिनियस मेडिसिन सिस्टम, विच वॉज अगेन वेरी स्ट्रांग इन द ट्राइबल सोसाइटी. जो आदिवासी समाज अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बेसिकली जंगलों के जो जड़ी बूटी थे उस पर ही निर्भर करते थे. लेकिन जब धीरे धीरे जंगल कवर खत्म हो गए, फॉरेस्ट कवर खत्म हो गए, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट हो गए, इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से इरोड हो गई, तो उस तरह से मेडिसिन वगैरह अवेलेबल नहीं होने लगे, उस तरह की जड़ी बूटियाँ अब नहीं मिलने लगी. सो उस तरह से एक कम्प्लीटली जो इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम है एंड इंडिजिनस मेडिसिनियल नॉलेज है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका है. एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्राइमरी हेल्थ
फैसिलिटीज़ वो भी आदिवासी क्षेत्रों पे आपको पता है अवेलेबल नहीं है, दूर दूर तक हेल्थ सेंटर्स नहीं बने होते हैं, और इससे एक सोशल साइकोलॉजिकल फियर आ जाता है स्पेसिफिकली एट द इशू ऑफ हेल्थ केयर, स्पेसिफिकली जब डिजीज होता है, बीमार हो जाते हैं, तो इस सो जो इंडिजिनस मेडिसिनल नॉलेज था वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका है, और उसकी जगह एग्जॉस्टिज्म ने ले लिया. एक तरफ से तंत्र मंत्र के ऊपर, जैसे जो स्प्रिट्स हैं उनको अपीज करना है, उनको ज़्यादा खुश करना है, बोंगाइज्म है, ये सब का बढ़ावा हो गया था. ये कॉलोनियल पीरियड में ही हो गया था, लेकिन चूंकि जो नया मेडिसिन सिस्टम है वो, जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है वो आदिवासियों को हासिल नहीं था. सेंट्रल इंडिया बेल्ट में तो एटलीस्ट लैंड राइट का एक इशू हो सकता है ये डायन प्रथा की ओर, लेकिन ये जो इशू है डायन प्रथा का, विच क्राफ्ट, विच हंटिंग का, वो कई बार असम और वेस्ट बंगाल के टी गार्डन्स में भी होता है, जहाँ भारी संख्या में आदिवासी लोग चाहे मजदूर की तरह काम करते, तो वहाँ तो लैंड राइट का कोई इशू नहीं था. सो इट्स प्राइमरली सोशियो कल्चरल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट related to the killing of women, branding a woman as a witch and then killing her. So, इस तरह से एक particular system, जो indigenous medicinal system, वो collapse हो गया and exoticism की तरफ समाज का रुझान हुआ, और again there is a misogyny and woman hating towards the society. कई तरह के myths भी generate किए गए against women, कि वो किस तरह से danger है for the society and all, which actually support such type of witch hunting in the society. And again there is a gender divide also. Witch is always a woman. Dayan हमेशा महिला होती है, लेकिन जो विच डॉक्टर होते हैं, देवरा या ओझा, वो हमेशा पुरुष ही होते हैं. आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन पर्टिकुलर इशू रिलेटेड टू नक्सल कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ देयर इन द सेंट्रल इंडिया बेल्ट, एंड मेनी ऑफ द एरियाज इन द ट्राइबल बेल्ट टूडे आर इन्फ्लेक्टेड बाय द नक्सल कॉन्फ्लिक्ट, एंड मेनी टाइम्स द पुलिस एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेज together they abuse and exploit the villages in the name of combating operation. There is a pressure by the Naxalite outfit also to send the youths, men and women both, to their organization. So it poses a great security threat to young tribal women also. They get severely exploited both at the village level and also outside the village. आदिवासी समाज का अगर जो स्थिति है उसकी, उसका जो basic concern है वो state के साथ है, rather than other communities. Rather than the mainstream section, upper caste class, but state का ही एक तरह से जो structural violence है आदिवासी overall समाज के प्रति, उसके वजह से ही बहुत सारे issues और challenges है जो आज आदिवासी समाज को face करनी पड़ती. Thank you.